हेलो दोस्तों, आज इस जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 13 है। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस के आंसर सोचने के लिए 5 सेकंड्स का समय मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1928 में, सी 1925 में या फिर डी 1919 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1928 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी अमृता साहा, सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर डी आशा पूर्णा देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मदर टेरेसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा या फिर डी अहल्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका या फिर डी अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10.7%, बी 18.6%, सी 29.3% या फिर डी 43%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 29.3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? आपके ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 1853, बी 16 अप्रैल 1853, सी 20 अप्रैल 1854 या फिर डी 5 अप्रैल 1854। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है ए म्यांमार, बी जापान, सी चीन या फिर डी पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक स्तंभ कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सांची में, बी सरनाथ में, सी रायपुर में या फिर डी गया में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सरनाथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रत्यास्था या फिर डी गुरुत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी कलकत्ता या फिर डी दिल्ली। एसएससी 2020 में पूछा जा चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी या फिर डी 1949 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1950 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? आपके ऑप्शन है ए अवध, बी पूर्वी पंजाब, सी मद्रास या फिर डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मद्रास। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी रहमत अली या फिर डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इकबाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत बल के आविष्कारक कौन थे, आपके ऑप्शन है ए जे एल बेयर, बी जे बी रेल, सी थॉमस अल्वा एडिसन या फिर डी मार्कोनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, आपके ऑप्शन है ए पीयूष, बी थायराइड, सी पैराथायराइड या फिर डी थायमस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी थायमस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, आपके ऑप्शन है ए बैगनी, बी लाल, सी नीला या फिर डी काला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी काला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, आपके ऑप्शन है ए चेन वाइपर, बी किंग कोबरा, सी करैत या फिर डी सौ स्केल्ड वाइपर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी किंग कोबरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। सुनामी किस भाषा का शब्द है, आपके ऑप्शन है ए जर्मन, बी पुर्तगाली, सी चीनी या फिर डी जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जापानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के नाम से जाना जाता है, आपके ऑप्शन है ए रक्त समूह ए, बी रक्त समूह बी, सी रक्त समूह ए बी या फिर डी रक्त समूह ओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रक्त समूह ओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तक्षशिला किस देश में स्थित है, आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ईरान या फिर डी इराक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाकिस्तान। वीडियो के अंत में आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है ए 5 जनवरी, बी 2 जून, सी 28 फरवरी या फिर डी 14 मार्च को। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आंसर अपने कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें, और आज पूछे गए 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था यह भी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।